आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्लियामेंट्री कमेटीज को देखेंगे दोस्तों। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, फेसबुक प्रोफाइल है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्विटर पर मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों देखिए, हमने लोकसभा राज्यसभा को बहुत अच्छे से समझा, उसके मैंने 8 पार्ट बनाए, काफी लंबा चैप्टर था, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आपको पता ही है कि जो पार्लियामेंट का काम होता है वो बहुत ज्यादा वाइड होता है, ठीक है ना, काफी बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इनके काम को आसान करने के लिए हम कमिटीज बनाते हैं। कमिटीज का काम यह होता है कि पार्लियामेंट के काम को आसान कर दिया जाए। जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज होती है, जो ग्रांट्स पास होते हैं, ठीक है, उसको पूरा एसेस करना, ठीक है, जो प्लान्स होते हैं उसको बनाना, तो ये सब कमिटी का काम होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत ही एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं जो इस फील्ड में, जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो जो हमारा संविधान है उसमें कमिटीज का मेंशन दिया है, ठीक है। अब जो पार्लियामेंट्री कमिटी है, क्या कंडीशन है, ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा तभी पार्लियामेंट कमिटीज बनती हैं, वरना वो पार्लियामेंट कमेटी है ही नहीं अगर ये 4 कमीशन सेटिस्फाई नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या है, आप समझ गए ना, पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों होती है। इससे पहले हमने कैबिनेट कमेटी की बात की थी, कैबिनेट कमेटी अलग है, पार्लियामेंट्री कमेटी अलग है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी सरकार की होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट की होती है, तो अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन तो है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर चेयरमैन, ठीक है। यानी कि हाउस उसको इलेक्ट करेगा या फिर नॉमिनेट करेगा चेयरमैन, जो स्पीकर या फिर चेयरमैन, ठीक है। वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन, स्पीकर और चेयरमैन मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा और राज्यसभा का, उसी के ही डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। ये जो कमिटीज होती हैं, रिपोर्ट भी ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को सौंपेंगे, और जो सेक्रेटेरिएट जो सचिवालय होता है वो भी लोकसभा राज्यसभा इनको देगा जहां पे ये काम करते हैं, समझ गए। तो ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई होना है, अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है यानी कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। अब 2 तरीके की कमिटीज होती है, याद रखिएगा, कमिटीज की जब भी बात करेंगे 2 तरीके की, कौन कौन सी बता चुका हूं मैं कैबिनेट कमेटी में, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी होती है परमानेंट, ठीक है, परमानेंट कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी, और एडहॉक कमेटी होती है टेम्प्रेरी, मतलब एक बार उनका काम खत्म हो गया तो हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, वो नीड के बेसिस पे बनाई जाती है। तो स्टैंडिंग कमेटी की बात करें दोस्तों तो इसकी 6 कैटेगरीज हैं, ठीक है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल कमिटीज। अब हम एक एक कमेटी को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, इसमें आप किताब थोड़ा रेफर कर सकते हैं। किताब में कुछ कमिटीज ऐसी है जो मैंने छोड़ा है, वो मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी, एक एक कमेटी उसमें 3-3, 4-4 लाइनें लिखी हुई हैं, 95% कवर्ड है इस चैप्टर में, बस 5% मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो वो आप जो है वो आप किताब से कवर कर सकते हैं, मैं बता दूंगा मैंने क्या छोड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें उसके जरूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल कमेटी की बात करें तो फाइनेंशियल कमेटी इंपॉर्टेंट है, इसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आ जाता है, एस्टिमेट्स कमेटी आ जाता है, और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी आ जाता है। उसके बाद आती है हमारी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, इसमें 24 कमिटीज होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में 24 कमिटीज, 24 सब कमिटीज होती हैं। फिर आता है कमिटीज टू इंक्वायर, ठीक है, इंक्वायरी के लिए ये कमिटीज बनाई जाती हैं, ठीक है। फिर आता है कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, गवर्नमेंट का जो एश्योरेंस होता है, जो पेपर्स टेबल पे आते हैं, वेलफेयर जो स्कीम्स होती है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये सब स्क्रूटिनाइज और कंट्रोल में आ जाता है। फिर जो डे टू डे बिजनेस होते हैं, इसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आ जाती है, प्राइवेट मेंबर बिल्स आ जाते हैं, रेजोल्यूशन, इसमें ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। उसके बाद हाउस कीपिंग कमेटीज आ जाता है, ये जनरल पर्पज हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी होती है। तो ये 6 स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। फिर आती है हमारी एडहॉक कमेटीज, एडहॉक कमेटीज जो है वो टेम्प्रेरी होती है, ठीक है। अब इस कमेटी की बात करें तो इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक आती है हमारी इंक्वायरी कमेटी और एक आती है हमारी एडवाइजरी कमेटी। अब इंक्वायरी कमेटी की बात करें दोस्तों तो ये इंक्वायरी कमेटी टाइम टू टाइम कंस्टिट्यूट होती रहती है, ठीक है ना। अब इसमें मोशन पास किया जाता है, कोई भी राज्यसभा लोकसभा कोई भी अगर इंक्वायरी कमेटी को गठित करना है तो मोशन पास किया जाता है राज्यसभा में या लोकसभा में, और कमेटी जो है वो गठित हो जाती है, या स्पीकर और चेयरमैन भी जैसा कि मैंने बताया इसको गठित कर सकता है। अब ये इंक्वायरी करेगी, जाहिर सी बात है इंक्वायरी करेगी तो किसकी इंक्वायरी करेगी, जो रिपोर्ट होंगी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, अब हाँ इसके वर्क को मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं। इसका काम होता है
सबसे पहले जाहिर सी बात है स्पेसिफिक रिपोर्ट को देखना। तो जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं, अब तो नीति आयोग आ गया है, जो रेलवे कन्वेंशन कमिटीज भी इंक्वायरी कमेटी के अंदर आती है, ठीक है, जो बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें भी ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी, फर्टिलाइजर प्राइसिंग के लिए ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो बेसिकली किसी रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए ये इंक्वायरी कमिटीज बनाई जाती हैं, समझ गए। उसके बाद आती है हमारी एडवाइजरी कमिटी। अब एडवाइजरी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ये सिलेक्ट या फिर ज्वाइंट कमिटीज हो सकती हैं जो बिल्स आते हैं। अब इसमें भी जो पर्टिकुलर बिल्स होते हैं दोस्तों, उसको ये एडवाइजरी कमिटी देखती है, समझ गए। जो बिल आता है ना हमारा, लोकसभा राज्यसभा, कोई जो पर्टिकुलर बिल्स होते हैं उसको ये कमिटी एनालाइज करती है, उस पर रिपोर्ट प्रेजेंट करते, मतलब उसको देखती है पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम फाइनेंशियल कमिटीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल कमिटीज में आपको चीजें देखनी पड़ेंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल कमिटीज की बात करें तो इसमें आती है पब्लिक अकाउंट कमिटी। ये जो मैंने ब्लैक में हाईलाइट किया है, ये आप सारी स्टैंडिंग कमिटीज के लिए रख लीजिए, सारी स्टैंडिंग कमिटीज में यही चीज लागू होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात 1921 याद रखिए, ठीक है, 1921 को इस पब्लिक अकाउंट कमिटी को सेटअप किया गया था, ठीक है। अभी इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, कमिटी में मेंबर्स तो होंगे ही ना, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। अब जो ब्लैक से मैंने हाईलाइट किया उसको आप रख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, जो मेंबर्स होते हैं उसको पार्लियामेंट इलेक्ट करता है हर साल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सब आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं, ठीक है। जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है मेंबर्स का वो 1 साल का होता है, और जो मिनिस्टर है वो इसका मेंबर नहीं हो सकता, वरना तो वो सरकार के हिसाब से काम करेगा, है कि नहीं। तो ये है पब्लिक अकाउंट कमिटी। जो चेयरमैन है वो स्पीकर अपॉइंट करता है, जो कमिटी का चेयरमैन होगा, और जो फंक्शन होता है कमिटी का वो क्या है, जो कॉम्प्टोरल और ऑडिटर जनरल कैग जो रिपोर्ट देता है ना उसको एग्जामिन करना, जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं कैग की जो पार्लियामेंट के सामने पेश होती हैं, ठीक है। आपको पता ही है कैग जो है वो 3 ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करता है, कौन कौन सी, एक तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, एक तो फाइनेंस अकाउंट, और दूसरा पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और यही हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं पे ही कमिटी है, इन्हीं तीनों पे ही कमिटी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप समझे। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कैग की रिपोर्ट आती है उसको देखेगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इसमें होते हैं, मतलब अगर इसके फंक्शंस की बात करें कैसे काम करती है, तो यहां पे जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट आती है कैग की, ठीक है, कि जो मनी है उसको डिस्पर्स किया है लीगली कि नहीं किया है, सारे सर्विस, मतलब सर्विसेज में जो सरकार अपनी स्कीम चला रही है उसके उसके उसमें जो पैसा गया है वो सही से गया है कि नहीं गया है, ठीक है। जो अप्रोप्रिएशन हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें पब्लिक अकाउंट कमिटी देखती है। उसके बाद आती है हमारी एस्टिमेट कमिटी, ठीक है। अब अगेन इसको 1921 में सेटअप किया गया था, ठीक है, मतलब अगर हम फाइनेंशियल कमेटी की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो हम 1921 से मतलब ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन पहली एस्टिमेट कमेटी जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में वो 1950 में कंस्टिट्यूट की गई थी। अब अगेन फिर से आप यही वही जो मैंने आपको ब्लैक में हाईलाइट किया था, यहां पे जो मेंबर्स है वो लोकसभा में इलेक्ट होते हैं, हर साल इलेक्ट होके आते रहते हैं, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जैसे यहां पे आपको आपने देखा था कि यहां पे राज्यसभा लोकसभा दोनों से, लेकिन यहां पे जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा से इलेक्ट होंगे हर साल, और 1 साल का इनका टाइम पीरियड होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, टर्म ऑफ ऑफिस इनका 1 ईयर होगा, 1 साल का होगा, और मिनिस्टर जो है वो अगेन जो मेंबर ऑफ द कमिटी है वो नहीं बन सकता, चेयरमैन ऑफ द कमिटी अगेन स्पीकर ये अपॉइंट करता है। और इसके अभी इसके ओरिजिनली 25 मेंबर्स हैं, लेकिन अब ये 30 मेंबर्स तक इसको रेस किया गया है। लेकिन एक यहां पे डिफरेंस ये है, जो मेंबर्स होंगे वो सिर्फ लोकसभा से ही होंगे, राज्यसभा का इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है, तो ये आपको ध्यान देना है, समझ गए, इसमें राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। अब नामी एस्टिमेट कमेटी, तो जितना खर्चा होगा वो पार्लियामेंट के समक्ष पेश किया जाता है एस्टिमेट कमेटी द्वारा, ठीक है। और उसके बाद ये भी देखती है कमेटी की जो पैसा है वो लिमिट में आ रहा है कि नहीं, जितना पैसा असाइन किया है, जो ग्रांट दिए गए हैं वो लिमिट में है कि नहीं है, तो ये एस्टिमेट कमेटी का वर्क होता है। उसके बाद दोस्तों कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स,
अब इस कमेटी की बात करें तो आपको पता ही, हमारे यहाँ पीएसयू होते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, महारत्न, आपको पता ही है ना कि महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, ये सब हमारी पब्लिक सेक्टर, जैसे सेल, भेल, ये सब हमारी पब्लिक सेक्टर है, जो सरकारी हमारी कंपनियां होती है, जो सरकार चलाती हैं, तो उसको रिव्यू करने के लिए, उसको स्क्रूटिनाइज करने के लिए पब्लिक अंडरटेकिंग्स की कमिटी बैठाई जाती है। इसको 1964 में क्रिएट किया गया था। अब इसके ओरिजिनली इसके 15 मेंबर्स हैं, लेकिन अभी 22 मेंबर्स हैं। अगेन 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। फिर वही चीज कि जो मेंबर्स हैं, 1 साल का उनका टाइम पीरियड होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहां पे ऑल पार्टीज गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन, सारी पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 1 साल, मिनिस्टर जो है वो किसी भी, ये जो आप फाइनेंशियल कमिटी देख रहे हैं, इनमें से किसी में भी मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज है। अब अगर पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है उस पे जो रिपोर्ट आती है उसको एग्जामिन करती है, जो कैग की रिपोर्ट आती है पब्लिक अंडरटेकिंग्स, उसको एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद फिर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज आती है। अब डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज की बात करें तो उसमें 24 कमिटी आती हैं, ठीक है। पहले 17 था, अब 7 मोर, 2004 में 7 और ऐड कर दी गई, तो 24 कमिटी है इस समय, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से ये डील करती हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट, ये बढ़ाई जाए, ठीक है। तो ये उसके बाद जो 24 स्टैंडिंग कमेटी है दोस्तों, ये एक एक डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके लिए कमेटी ऑन कॉमर्स है। होम अफेयर्स, उसके लिए कमेटी ऑन होम अफेयर्स है। इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज की जो मिनिस्ट्री होती है, उसके लिए कमेटी ऑन इंडस्ट्री है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऐसे 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं, समझ गए आप। इसमें 31 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों का रिप्रेजेंट होता है, 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। और 8 कमिटीज, 24 में से 8 कमिटीज राज्यसभा के अंडर काम करती हैं और 16 लोकसभा के अंडर काम करती हैं, समझ गए। तो ये चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या चीज छोड़ी है, देखिए 24 कमेटी मैंने कवर नहीं की है, वो आप देख लीजिएगा, वो टेबल में, किताब में टेबल में दी गई है, उसमें कुछ नहीं है, खाली टेबल है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना रटने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि 24 कमिटीज होती हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था दोस्तों। अब अगले में हम पार्लियामेंट्री फोरम देखेंगे। अब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो एक एक लेक्चर में मैं कवर करूंगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।